आ गए फाइनली भैया फंस गया अंदर। आओ अभी आओ आओ आओ। अरे अरे को प्रणाम कर ले। ऐसे कौन नाम लाता है भाई। यम्मी लग रहा है ना एकदम। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू अनदर ब्लॉग। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ब्लॉग है ये थोड़ा लेट पोस्ट है, 6-7 दिन पुराना कह सकते हैं। 12 तारीख का क्लिप है ये, जिस दिन मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आने वाले थे। तो मैं यहाँ पे चावल को कलर कर रही हूँ, पूजा में काम आएगा कि नहीं आएगा मुझे तो नहीं पता, पर मेरे डेली पूजा में ये ज़रूर काम आएगा। तो मैं हल्दी से चावल को कलर करती हूँ, थोड़ा सा पैन डाल के इसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी जब तक अच्छे से ये मिक्स ना हो जाए इस तरह से। और इसे मैं पंखे में 4-5 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दूँगी, और जब ये सूख जाए तो मैं इसे बॉक्स में भर के रख दूंगी। काफ़ी लंबा चल जाता है गाइज। और उसी दिन ये जो सिंटेक्स है ये लोग ऊपर चढ़ा रहे थे, मैं तो खुश हो गई कि चलो मम्मी पापा आ रहे हैं, भाई भैया भाभी आ रहे हैं, तो पानी का यूज़ ज़्यादा होता है तो पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर मैं किचन में आ गई हूँ मखाना फ्राई करने। मम्मी को एक्चुअली मेरे मखाना खाती हैं वो सुबह शाम, तो मैं सोची कि उनके आने से पहले सब काम भी मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। साथ में मैं गर्म पानी कर रही हूँ पीने के लिए। वैसे आप लोगों को पता होगा ही कि मेरी सुबह की शुरुआत गर्म पानी से ही होती है। तो अभी तो मखाना मेरा फ्राई हो रहा है, मैं साथ में चाय भी बैठा ली हूँ। और अपने घर वालों के लिए मैं तो मैं चिकन बना रही हूँ, और साथ में मैं भेज भी बनाऊँगी। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को नहीं दूँगी गाइस, क्योंकि ऑलरेडी मैं बिहारी स्टाइल चिकन करी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और बहुत यमी बन के रेडी हुई थी। घर वाले बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे चिकन की। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो गला थोड़ा फंसा हुआ है गाइज। एक्चुअली मैं यहाँ अकेले रहती हूँ ना, किसी से बात बात नहीं करना होता है, और घर वाले आते तो इतना बात इतना मस्ती हुआ कि गला फंस ही जाता होता ना, अचानक से गले पे प्रेशर आ गया। तो थोड़ा सा आवाज़ आप लोग को थोड़ा चेंज लग रहा होगा मेरा अभी। सो गाइज मेरा काम तो हो चुका है, मैं खाना बना ली हूँ। मम्मी पापा भैया भाभी सब लोग एयरपोर्ट पे 1 घंटा पहले ही आ चुके थे, लेकिन वो लोग फोटो शूट कराने के चक्कर में थोड़ा लेट कर रहे हैं। वैसे वो लोग कैब में बैठ चुके हैं, 1 घंटा में आ ही जाएंगे। और सुबह से मैं बस लगी हुई हूँ घर वर ठीक करने में, खाना पीना बनाने में, क्योंकि होता है ना वो लोग के आने के बाद फिर कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, फिर इतना बातचीत करो गपशप करो, फिर टाइम कैसे निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। तो मैं तो एक ही बार में चिकन बना दी हूँ, और साथ में हस्बैंड नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनके लिए वेज बना दी हूँ, साथ में दाल वाल बना दी हूँ। पापा जब आएंगे तब मैं, मतलब कि वो लोग जब आएंगे तब 10 मिनट पहले मैं राइस बना दूंगी। तो बस सब कुछ तो हो चुका है गाइस। और आपको पता है मेरी शादी के बाद पहली बार वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एक्चुअली एक बार और आए थे, मेरी दीदी का भी गृह प्रवेश था यहाँ पे। मेरी दीदी का अपना घर इलेक्ट्रॉनिक सिटी में गाइस, तो उसका प्रेस्टीज में घर है, तो उस समय गृह प्रवेश था 3 साल पहले। तो पापा मम्मी आए थे, भैया भाभी सब लोग आए थे, लेकिन बस 2-3 दिनों के लिए आए थे। पर इस बार भैया भाभी का तो मैं नहीं कह सकती, पता नहीं शायद वो लोग 2-3 दिन में निकल जाए। मैं वैसे उन्हें रोकने की कोशिश करूंगी, लेकिन पापा मम्मी को कम से कम 15 दिन तक तो मैं जरूर बोलूंगी रहने के लिए, तो वो लोग तो रहेंगे। बात बाकी आप लोग को सब कुछ ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही, कितनी मस्ती होने वाली है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या बना के रखी हूँ उन लोग के लिए।
गाइस आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मेरा चिकन बन के रेडी हो गया है, यम्मी लग रहा है ना एकदम। और मम्मी थोड़ा चिकन कम खाती हैं तो यहाँ पे दाल है और ये है बोदी, ओहो ये है बोदी की सब्जी और राइस मैं यहाँ रख दी हूँ। किचन से सारा खाना मैं रोटी मैं यहाँ रख दी हूँ गाइस। किचन से सब कुछ खाना मैं निकाल के इधर रख देती हूँ, मेड आएगी तो पूरा किचन साफ करेगी, तो इसलिए मैं खाना यहाँ पे रख दी हूँ। और मम्मी के लिए मैं बहुत सारा फ्रूट्स ला के रखी हूँ, ये देखिए गाइज। अभी तक मम्मी पापा नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं एक बजने वाला है, शायद वो लोग एक बज तक आ जाएं, बोल तो रहे थे कि एक बज तक आ जाएंगे, बाद बाकी पता नहीं, देखते हैं कब तक आते हैं। सो गाइज अभी मैं कॉल की थी मम्मी पापा एक बज तक आ जाएंगे और ये देखिए हमारी मम्मी आ गए। फाइनली भैया फंस गया अंदर। आओ अभी आओ आओ आओ, अरे अरे को प्रणाम कर ले। आइए आइए रखिए 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 रखिए। अरे वाह बहुत भारी, वही जाइए ना नीचे से, बहुत बहुत सामान है, जाके जाइए ना अभी थोड़ा सा। अरे आंटी थोड़ा सा आप भी जाइए, पोछा मार दी, पोछा नहीं कर रही है। अरे आंटी पोछा कर दीजिए, ऐसे कौन आम लाता है भाई। ये हल्का डार्क लग रहा है, लाल वाला है शायद ये ना, लाल वाला पापड़ है। मम्मी क्या कर रही है ना कि बेटा तुम कहे थे ना लाल लाल लाल, तो हम बोले हम तो कुछ कहे ही नहीं, तो हमको तो ये भी नहीं पता है किसका चिप्स बढ़िया होता है, पता नहीं।